हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अपनी कंटेंट राइटिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगी, आपकी अर्निंग स्किल बढ़ाने के लिए, आपकी एक आपके लाइफ में आपको बहुत ही फायदा देने वाली है स्किल। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कंटेंट राइटिंग होती क्या है। कंटेंट राइटिंग गाइस बेसिकली हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, गूगल पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब में कंटेंट है। हम कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें कंटेंट दिखाया जाता है, तो बेसिकली इस चीज़ को कंटेंट कहते हैं। और कंटेंट राइटिंग एक मेथड है, मतलब कि हम ऐसे अगर एक एज एन ऐसे अगर हम इसको लिख दें, जैसे एक ऐसे लिखते हैं, तो उसको गाइस कौन पढ़ेगा। गूगल के एल्गोरिथम को भी हमने समझाना है कि हम किस तरह का एक आर्टिकल लिख रहे हैं ताकि वो यूज़र को दिखाए और यूज़र की नीड पूरी हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कंटेंट राइटिंग। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं हैप्पी वैलेंटाइंस, क्योंकि अभी हैप्पी वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे गिफ्ट आइडियाज। हमने एक ये चीज़ सर्च की, अब देखें कि गूगल ने खुद ही सर्चेस हमें दिखा दी कि ये देखो भाई ये डेटा है और यहाँ से भाई अपनी जो भी चीज़ आप सर्च की है आपने, अब यहाँ से आके देख लो। अब देखें अगर हम भी इसी टॉपिक पे लिखते हैं और इन लोगों ने भी यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखें कि 10 सर्चेज हैं और आगे भी बहुत सारी होंगी। ठीक है, मतलब हज़ारों लाखों यहाँ पे सर्चेज होती हैं, तो गूगल हमारे ही कंटेंट के ऊपर क्यों दिखाएगा? ऐसी आखिर क्या वजह है कि वो हमारी कंटेंट को ऊपर दिखाएगा? बेसिकली इसको कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हम उसकी तरफ अभी हम नहीं जा रहे, ये हमारी आज फर्स्ट ट्यूटोरियल है इसका, तो हम यहाँ पे जस्ट सीखेंगे कि कंटेंट राइटिंग लिखना किस तरह है ताकि गूगल हमें प्रमोट करे कुछ, मतलब हम गूगल के एल्गोरिदम को समझ सकें, उसके रोबोट को समझा सकें कि हमने क्या लिखा है, ताकि कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट भी ऊपर है। तो इसके लिए मैंने कुछ ये की पॉइंट्स बनाए हैं कि कंटेंट राइटिंग के लिए क्या चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ देख लेते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो मस्ट है, मतलब वो आनी चाहिए। सबसे पहले आपकी इंग्लिश जो है वो मस्ट है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे कंटेंट राइटर नहीं बन सकते, और कोई भी एक ख़राब इंग्लिश से अच्छा कंटेंट राइटर कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली हमारे जो ऑडियंस है हमें नहीं पता कि वो किस रीजन में बैठ के हमारा कंटेंट देख रही है। USA में देख रही है, UK में देख रही है, चाइना में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, सऊदी अरब। तो हमें एक अच्छी इंग्लिश के साथ लिखना होता है ताकि यूज़र हमें प्रोफेशनल समझे और हमारी साइट पर विज़िट करे और हमारा जो कंटेंट है उसको पढ़े और उसकी नीड पूरी हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं भी है तो उसका भी जुगाड़ है, जो कि वीडियो के मैं बिल्कुल एंड में बताऊँगा। और थर्ड नंबर, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, मतलब जिस तरह हम बचपन में एसेज वगैरह लिखते थे, कुछ पढ़ते थे, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ पेन, इट इज़ माई पेन, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पेन, तो इस तरह के सेंटेंस नहीं होने चाहिए। एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो, एक प्रोफेशनल चीज़ मतलब शो हो रही हो, एक सेंस शो हो रहा हो उसमें कि एक सेंस बन रहा है उस सेंटेंस का, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो। एक्टिव पैसिव ऐसा आपको इसमें आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पैसिव ज़्यादा नहीं हमने यूज़ करने अपने कंटेंट राइटिंग में, क्योंकि वो यूज़र को इरीटेट करते हैं, गूगल भी इसको प्रमोट नहीं करता। तो एक्टिव की रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए और पैसिव की रेशियो कम होनी चाहिए। पैसिव होने ज़रूर चाहिए लेकिन वो कम होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिसर्च स्किल्स। रिसर्च स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट राइटिंग के अंदर। रिसर्च में बेसिकली आप यूज़र आपकी जितनी भी और कंपटीटर्स हैं उनकी रिसर्च करते हैं, एक अच्छा डेटा देखते हैं, फिर आप अपने कंटेंट में उसको आके लिखते हैं। आखिरी चीज़ है टोन ऑफ आर्टिकल। आपकी जो टोन है वो आर्टिकल में कैसी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे गिफ्ट आइडियाज़, तो आप एक आइडियाज़ दे रहे हैं, तो आपकी जो टोन है वो इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टोरी टेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो आपकी टोन स्टोरी टेलिंग वाली होनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हैं तो आपकी एक सेलिंग वाली होनी चाहिए ताकि यूज़र का इंटरेस्ट बने। तो आपको ये हमेशा पहले डिसाइड कर लेना कि आपकी टोन पूरे थ्रू आउट द आर्टिकल किस तरह रहने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट राइटिंग करनी किस तरह, बेसिकली किस किस पॉइंट पे काम करती है। सबसे पहले सर्च ऑन गूगल। तो हमारा जो भी टॉपिक होगा सबसे पहले हम मतलब ये कंटेंट राइटिंग का टॉपिक या तो आपको आपका क्लाइंट देगा या आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। आज हम जो चीज़ सर्च कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक टॉपिक है, अब हमने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, तो हम यहाँ पर गूगल पर आके सर्च करेंगे हैप्पी वैलेंटाइंस डे गिफ्ट आइडियाज़, और हमने यहाँ पर सर्च किया। ठीक है, अब यहाँ पर गूगल ने हमें सर्चिंग दिखाई। अब हम क्या करेंगे, रैंडमली एक जितनी भी मतलब आपकी यहाँ पे साइट्स आ रही हैं वो सब की सब हम साइट्स ओपन करेंगे। ठीक है,
हमने रैंडमली पहले पेज से ही ना, क्योंकि पहले पेज पे सर्चेस कम थी, इस वजह से मैं दूसरे पेज पे आया हूँ। लेकिन मोस्टली ये होता है कि हमने पहले पेज से ही अपने कंपटीटर की 4 से 5 वेबसाइट्स ओपन करनी है। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, आखिर इन्होंने कोई अच्छा काम किया है, अच्छा कंटेंट लिखा है, इस वजह से ही गूगल ने इनको रैंकिंग दी है और इनको फर्स्ट पेज पे लेके आया है गूगल। फर्स्ट चीज़ क्लियर होगी कि ये पहले पेज पे क्यों है, क्योंकि इनकी कंटेंट राइटिंग सबसे अच्छी है। अब देखें भाई, हम कोई अंग्रेज तो हम हैं नहीं कि हम अमेरिका में बैठे हैं, हमारी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी है, हमें ये सब देखने का ही शौक ना हो। हम पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, तो हमें ये चीज़ लाजमी देखनी है, अपने कंपटीटर का एनालिसिस हमने लाजमी करना है। तो जब हमने ये कुछ वेबसाइट्स ओपन की 5 से 6, अब हमने इनको देखना है। अब ये बिल्कुल ये जो साइट है हमने इसको स्किप करना है, उसकी वजह है कि इसके ऊपर कंटेंट नहीं है। अब ये देखें, ये एक साइट है, हमने इसको कर लिया ओपन, ठीक है गाइस। अब इसने कंटेंट लिखा हुआ है कि इसने एक आइडिया दिया हुआ है और इसने एक पूरी एक डिटेल के साथ लिखा। अब ये देखें, ये एक साइट है, हमने इस साइट को ओपन किया, ये हमारी कंपटीटर की वेबसाइट है। हमने अब करना क्या है, पहले चीज़ गूगल पे हमने सर्च कर ली, यूज़ गूगल इंस्टेंट टेक्निक। ये बेसिकली होती क्या है कि आप कोई भी यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं और आगे डैश प्रेस करते हैं, मतलब यहाँ पे गिफ्ट लिखा था हमने। अब आइडियाज़ उसने खुद दे दिया है, 2021 फॉर हिम फॉर हर, ये उसने खुद ही दे दी है कि ये चीज़ें भी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये गूगल की सजेशन होती है, जिसको गूगल इंस्टेंट सर्चेज करते हैं। तो हमारे पास पहले से टॉपिक है, तो हमने इसको सर्च कर लिया, ठीक है। इसके बाद है ओपन 1, 6, 7 वेबसाइट्स, हमने ये खोल लेनी है सारी वेबसाइट्स। अब हमने उन सब वेबसाइट्स को थॉरली देखना है कि उन्होंने कैसा कंटेंट लिखा हुआ है, कि मतलब अब हम खुद से तो लिख नहीं सकते, हमारे पास इतना अच्छे आइडियाज़ नहीं होते, हमने उनसे इंस्पायर होकर अपना कंटेंट लिखना होता है बेसिकली। तो हम उन सब के वेबसाइट्स मतलब विज़िट करेंगे, उनका कंटेंट देखेंगे और अपने माइंड में सोचेंगे कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, पहले बता दिए। स्पिनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। आप सोचें, स्मार्ट बने कि भाई हम किसी और का कंटेंट उठा लेते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आर्टिकल स्पिन कर लेंगे और कर देंगे। नहीं भाई, गूगल हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती और ये बिल्कुल भी नाकाम चीज़ें हैं। तो स्पिनिंग बिल्कुल नहीं करनी। इसके बाद अपने आर्टिकल में हेडिंग यूज़ करनी है, पैराग्राफ यूज़ करने हैं 150 वर्ड टू 200 वर्ड्स के, और जो कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपका कीवर्ड हैप्पी वैलेंटाइन डे गिफ्ट आइडियाज, आपने ये कीवर्ड बार बार यूज़ नहीं करना अपने आर्टिकल में, ज़्यादा स्टफिंग नहीं की इतनी कीवर्ड की, ठीक है। तो आखिर में सबसे अगर आपकी ग्रामर नहीं आती, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, तो एक एक्सटेंशन है, वहाँ से हमने इसको गुजारना है। अब स्टार्ट करते हैं कि हमने आर्टिकल लिखना किस तरह। अपने नोटपैड अपना ओपन कर लेना है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें भी आप लिखते हैं, क्योंकि अभी हम एक तरफ कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं, क्लाइंट के लिए हमें लिख के कैसे देना है। अपनी अगली सीरीज़ में हम इंशाल्लाह वर्ड प्रेस के ऊपर, किसी CMS के ऊपर भी लाइव करके देखेंगे विद SEO। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए, जहाँ से हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास वेबसाइट है, एक एज एन एग्जाम्पल देख रहे हैं इसको। तो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमने बिल्कुल इसी तरह एक पैराग्राफ लिखना है, 150 वर्ड्स का लिख लेना है, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट पैराग्राफ, ये फुल्ली मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। इंट्रो टॉपिक अबाउट ऑल आर्टिकल, मतलब पूरा एक इंट्रो होना चाहिए उस 150 वर्ड्स में, क्योंकि वो फर्स्ट जो आपकी एंट्री लाइन्स होती हैं उस पर आपका पूरा आर्टिकल डिपेंड कर रहा होता है। आपने बिल्कुल कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी सेंस से बिल्कुल आसान वर्ड्स में आपने वो लिख लेना है कि आप इस पूरे आर्टिकल में कवर क्या करने वाले हैं। वो जब आपने लाइंस लिख ली, बिल्कुल एक मीनिंगफुल वर्ड उसमें लिख लिए, उसके बाद आप एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे विद हेडिंग। हेडिंग्स आपने लाजमी यूज़ करनी है इसके अंदर। अब ये देखें, इसने एक हेडिंग यूज़ की है, वैलेंटाइंस डे गिफ्ट आइडियाज़ ऑफ 2022। हमने इसी तरह बिल्कुल एक हेडिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद हमने दोबारा से आर्टिकल लिखना है। ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी, मतलब इस यहाँ से आपने कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। अब ये कंटेंट आपने काफ़ी सारी वेबसाइट से देख के फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने पैराग्राफ 1x1 स्टार्ट कर दिया, और आपने की पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे एग्जाम्पल मिलती है तो। की पॉइंट्स आप समझ लें जिस तरह बुलेट्स होते हैं, कि आप इस आर्टिकल में बताने क्या लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कहता हूँ कि top 10 gifts लिखता हूँ, तो मैं ये ऐसा नहीं करूँगा हेडिंग देख के उस गिफ्ट को एक्सप्लेन करूँगा, फिर हेडिंग देख के एक्सप्लेन करूँगा। मैं सबसे पहले उनके की पॉइंट्स बना लूँगा,
कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह लिख के आगे उनके लिख देना है ये फलां हेडिंग फलां हेडिंग फलां हेडिंग, तो 10 हेडिंग्स दे के उसके की पॉइंट बन जाएंगे। तो यूज़र को पता चलेगा कि उस पूरे आर्टिकल में पढ़ने का लगा है, तो वो की पॉइंट्स आपने लाजमी बनाने। सबसे एंड पे आता है लास्ट पैराग्राफ, तो इसमें आपने क्या करना है, उस पूरा जो आपने आर्टिकल लिखा है आपने उसकी एक समरी लिख देनी है कि मैंने इस आर्टिकल में क्या क्या बताया है। और मतलब जिस तरह हम एसेज वगैरह में कहीं पे समरी लिखते थे, आपने उस पूरा आर्टिकल का निचोड़ उस आर्टिकल में लास्ट में एक पैराग्राफ में लिख लेना है, वो भी आपने छोटा सा लिखना है 150 वर्ड्स का। तो इस तरह से आपका एक पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। जब ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो, अब देखो भाई हम में से कोई यहाँ पे कोई अंग्रेज तो है नहीं कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तो अब आपने जो भी आर्टिकल लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने ये आर्टिकल लिखा है, आपने वो पूरा आर्टिकल कर लेना कॉपी और आपने गूगल पे जाके लिखना है ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर क्रोम। ये आपने एक एक्सटेंशन है, इसको आपने ऐसे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके आपने इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी ऐड है, ठीक है, ये अब एक्टिव हो जाएगी। अब आपने वापस आना है और आपने लाइव वर्ड काउंटर ओपन कर लेना। ये बेसिकली एक टूल है जहाँ पे आप सिंपल पेस्ट करके अपने वर्ड काउंट कर सकते हैं, कितने वर्ड का लिख लिया है। अब जैसे ही आप ऑनलाइन कहीं भी आर्टिकल अपना पेस्ट करेंगे तो आपको ना ग्रामरली गलतियाँ दिखाएगा आपकी। अब ये तो हमने ऑनलाइन उठाया इस वजह से इसमें गलतियाँ बहुत कम है, लेकिन ये देखें जिस तरह ये गलती है, आपने यहाँ पे कर्सर लेके आना है, माउस अपने खुद ब खुद ये शो कर दें, आपने इसको क्लिक कर देना, ये गलती बिल्कुल सेट हो। और ये भी मतलब यहाँ पे उसके मुताबिक एंड नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे एंड रिमूव कर देगा, ठीक है। अब हम खुद अपनी तरफ से कोई गलतियाँ करके देखते हैं कि ये शो करता है कि नहीं करता। अब ये देखें इन्होंने गलतियाँ शो कर दी हैं। अब ये देखें शो स्टूड विच पॉपुलर। अब इस तरह की जब आपकी मिस्टेक्स होंगी ग्रामर की, कुछ भी मिस्टेक्स होंगी, तो ये खुद ब खुद आपको सेट कर देगा। जब ये सेट कर दे, यहाँ से सिंपली कंट्रोल ए करके कॉपी करना है और अपने डॉक्यूमेंट में जाके सेव कर लेना है, अपने नोटपैड में लिख रहे हैं जहाँ भी लिख रहे हैं। अच्छा जी, जो सबसे लास्ट पे एक पॉइंट हमारा रह गया वो है हाउ मच वर्ड्स। अब ये सबका ही क्वेश्चन होता है कि हमने कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है। अब हमने अपने कंपटीटर को देख लिया कि भाई इसने कितने वर्ड का लिखा हुआ है, हमने इस कंपटीटर को देख लिया कितने वर्ड का लिखा हुआ है। आपने करना क्या है, इसको चेक करने के लिए सिंपली इस सारे आर्टिकल को आपने कॉपी करना है, ठीक है, जितना भी बनता है। तो आपने तरीके से इसको कॉपी कर लिया, इसके बाद आपने वर्ड काउंटर में जाके चेक करना है कि इसने कितना लिखा हुआ है। अब देखिए इसने लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 1200 का। अब किसने 1000 का लिखा होगा, किसने 500 का लिखा होगा, किसने 600 का, तो डिफरेंट हो सकता है, हर किसी ने अपने हिसाब से लिखा होगा। लेकिन अब ये देखें कि जो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, अब मोस्टली कितने वाले हैं, 1000 वाले हैं, 500 वाले हैं कि 800 वाले हैं। तो अगर तो मोस्टली बन रहे हैं 500 के, तो हमने ट्राई करनी है कि हमने 700 800 वर्ड का लिखना है। अगर 1000 का वो लिख रहे हैं तो हमने 1000 से अबव लिखना है, मतलब 1100 या 1200 हो गया, ठीक है। और ये नहीं देखना कि अगर 500 वर्ड का है तो 500 वर्ड का पूरा हो गया तो उसको ख़त्म कर दें। आपने उतने वर्ड्स का हमेशा लिखना है जितने में आपका वो टॉपिक कवर हो रहा हो, ठीक हो गया। मतलब अगर आपका कंटेंट कवर हो रहा है 800 वर्ड्स में, तो आपने 800 वर्ड्स का लिखना है। अगर आपका कंटेंट कवर हो रहा है, आपका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है 1000 वर्ड्स में, तो आपने वो लिखना है। तो मिनिमम अगर आप पूछें कि मिनिमम, मोस्टली का सवाल होता है कि मिनिमम कितने वर्ड्स का लिख सकते हैं, तो मिनिमम आप हमेशा 600 वर्ड्स का लिख सकते हैं, 600 to 700, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है मिनिमम। और अगर 1000 वर्ड्स का हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अपनी प्रैक्टिस बनाए कि 1000 का मिनिमम होना चाहिए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, होप्स आपको ये ट्यूटोरियल समझ आएगा। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखें, कोई चीज़ रह गई है तो आप वो यहाँ पे लिखें, मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में उसको एडवांस के तौर पे उसको मैं ऐड कर दूंगा उस सीरीज में, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे आपका अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, कमेंट्स लाइक्स, तो ये सब देख के मैं फिर इसकी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा कि लाइव इसको किस तरह करना है वेबसाइट्स के ऊपर, और इस तरह से हम इस कंटेंट राइटिंग की जर्नी को लेके चलेंगे। फिर ऐसा ऐसा स्टेप बाई स्टेप जब हम सीखते जाएंगे तो एंड पे मैं फिर आपको इनका पोटेंशियल बताऊंगा, कहाँ पे सर्विसेज सेल हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, अपने लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो, सब कुछ। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ और ट्यूटोरियल्स वगैरह को टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें, तो आपको मजीद अलर्ट्स मिलते रहेंगे, साथ ही साथ अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना।